आइए आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया इन डेप्थ रिव्यू हुंडई i20 के बारे में। ये इंडिया की बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही बढ़िया कार है। ये मिड सेगमेंट कार के अंदर आती है। ये इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है। जिस कार का हम इन डेप्थ रिव्यू बना रहे हैं वो है हुंडई की i20 मैग्ना मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैग्ना मॉडल है और हम इसका एक मैनुअल ट्रांसमिशन का एक इनसाइड रिव्यू देखने जा रहे हैं। ये वाइट कलर की कार, बहुत ही बेहतरीन कलर में, थोड़ा आपको वेरिएशन लग रहा होगा ये फॉग लाइट्स की वजह से। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन हेडलाइट्स, एक अच्छा स्टाइलिंग, एक ग्रिल, एक अच्छी फिनिश, एक एरोडायनामिक लुक और एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एयर कटिंग का बहुत बढ़िया प्रोविजन है। आइए चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसी दिखती है। ये कार मेरे फ्रेंड की है, इन्होंने इस कार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर इन्होंने लगवाए हैं एक्स्ट्रा। ये इन्होंने बहुत ही फर्स्ट क्लास ये सेंट्रल लॉकिंग लगवाई है जो विद हॉर्न के साथ बजती है और टू टोन इंटीरियर्स है। देखिए किस तरीके से इन्होंने ये डबल टोन इंटीरियर, आप शायद कलर में थोड़ा सा कंफ्यूज खा रहे हैं, ये बेज कलर का इंटीरियर है और इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही बेहतरीन सीट कवर इन्होंने रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसको यही कॉन्सेप्ट आपका बुगाटी और महंगी गाड़ियों में आता है। आइए हम इस कार को अब अंदर से भी जान लेते हैं ये अंदर से कैसी लगती है। जैसे ही हम इस कार का सेल्फ ऑन करते हैं तो आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें लाइट्स डिम से बड़ी होती जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी गाड़ी का एक फीचर होता है। आप इसके मीटर में देख सकते हैं इधर आरपीएम है और इधर स्पीड का मीटर है। बीच में जो दो टॉवर्स है उसमें से एक टेम्परेचर बताती है और एक किलोमीटर एक फ्यूल का गेज बताती है। नीचे आप देखेंगे एक ऐसा फीचर जो आपको बहुत ही महंगी गाड़ियों में मिलता है जो कि फ्यूल की एवरेज बताता है कि इतनी स्पीड में आपकी इतने फ्यूल में आपकी कार कितने किलोमीटर चल सकती है, उसके नीचे टेम्परेचर और किलोमीटर जितने चलिए। तो ये एक इस सेगमेंट की कार में इतने बेहतरीन फीचर नामुमकिन के बराबर लगता है, ये तो एक हुंडई कंपनी ही दे सकती है। अब इस स्टेयरिंग की बात करें, बहुत ही डिसेंट साइज का स्टेयरिंग, बहुत ही बढ़िया स्टेयरिंग जिसमें हुंडई का लोगो और हॉर्न के लिए इतना ऑप्शन। आप इधर देखेंगे तो यहाँ स्टीरियो के सारे कंट्रोल्स हैं। ये वो कंट्रोल जो आपको होंडा एकॉर्ड में मिलते हैं आपको इस i20 में मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपका मोबाइल फोन भी इस कार में कनेक्ट हो सकता है जिसके लिए आपको मोबाइल जेब से निकालने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप ये ग्रीन बटन दबाते हैं तो फोन कॉल पिक हो जाती है और रेड दबाने पे कॉल बंद हो जाती है। और इस साइड देखेंगे तो हमारे पास मोड लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हम रेडियो के डिफरेंट चैनल्स और सारी चीजें कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बेहतरीन स्टीरियो जो कि कंपनी फिटेड इसके कार में आया था वो प्रोवाइड करा गया। आइए अब बीच के कंसोल की तरफ चलते हैं। एक अच्छा ब्लोअर, एक बेहतरीन डिजाइन जिसे हम एक बहुत ही अच्छी फिनिश, जैसे प्लास्टिक को मैं फील कर सकता हूं, ये एक वो चीप प्लास्टिक नहीं है जो एक नॉर्मल सी लोकल कार्स के अंदर आता है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक है। और इस स्टीरियो का तो क्या कहना, इसके अंदर तो अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं और इसके अंदर ये सब चीजें देखिए, यही मोड का बटन दबा के हम सारे फीचर चेंज कर लेते हैं और ये भी हम देख सकते हैं कि स्टीरियो में ब्लूटूथ का भी फीचर है और MP3 का भी फीचर है। और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो इसमें और सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। एक बहुत ही बढ़िया एसी का ब्लोअर, उसके साथ में एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक कंपार्टमेंट और 5 गियर इस कार के अंदर और एक रिवर्स जो कि एक अच्छा फीचर है। टू टोन में ये कार है। इस कार की एक सबसे बड़ी खास बात ना सिर्फ सनग्लासेस होल्डर है बल्कि इसमें एक वो लाइटें जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार में ये आपके मेकअप मिरर हो गए और इसके साथ में यहाँ पे फोल्डर रखने की जगह हो गई। इस कार का एक हिडन फीचर है जो सबको नहीं पता है कि इस कार में यहाँ पे भी एक एसी का वेंट दिया गया है। हाँ जी सर, पीछे भी एक एसी का वेंट, जब आपके बच्चे या कोई बैठे होते हैं जिनको एसी की जरूरत है पीछे तो वो भी है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये 2014 मॉडल हुंडई i20
बहुत ही बढ़िया कार है। अगर आप ऐसी कोई कार सेकंड हैंड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया डील है, आप इसके बारे में जा सकते हैं। ये कार अप्रोक्सीमेटली 11 की एवरेज देती है नॉर्मली सिटी राइड में, बट अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा चलाएंगे तो 15 और कंपनी तो कई बार 20 तक की भी क्लेम करती है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जरूर पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।